हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था लेट्स गेट फिट सीरीज, तो उसके लिए अब रिजल्ट का टाइम आ गया है बिकॉज 1 वीक हो गया है, तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ कि क्या रिजल्ट आया होगा। बट लेट्स सी, पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट वेंट वेल और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे जिसमें प्रॉब्लम हुई। तो क्या क्या ऐसा था जो सही नहीं, करते हैं कि व्हाट वेंट वेल। तो इस वीक मैंने योगा किया और मैंने शुगर और जंक फूड बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया और मैंने टाइम पे सोने की कोशिश की। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा बेबी थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा स्लीप इरेगुलरिटीज़ हो जाती है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं टाइम पे सो जाऊं। और मैंने वाटर इनटेक पे भी ध्यान दिया और मैंने अपना वाटर इनटेक बढ़ाया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो दैट वेंट वेल। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इतना सही नहीं गई, जैसे कि मैंने 2 दिन योगा स्किप किया। जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर रहूँगी, बट 2 दिन स्किप हो गया। और मैंने डीप फ्राइड भी खा लिया सैटरडे मॉर्निंग को। तो ये एक था जो दैट डिडंट गो वेल। और इसके अलावा मेरा एक्टिविटी लेवल थ्रू आउट द डे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जो कि होना चाहिए। आपको थ्रू आउट द डे एक्टिव होना चाहिए। ऐसे अगर हम सिर्फ सुबह एक हमने अपना वर्कआउट किया, योगा किया और उसके बाद हमने थ्रू आउट द डे हम एक्टिव नहीं है, तो इट डजंट सर्व द पर्पस। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी आपसे इस सीरीज़ में। और उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीक के प्लान के बारे में बात करना चाहती थी। तो नेक्स्ट वीक जैसा कि मैंने आपसे डाइट प्लान शेयर किया था, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ मैंने फिर से उसको शेयर किया है। तो आप उसको ज़रूर देखें और मेरे साथ ट्रैक पे रहें। होपफुली हम इस वीक कुछ लूज़ कर पाए होंगे और नेक्स्ट वीक डेफिनेटली इससे बेटर ही होगा। तो बिकॉज ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू नो एडजस्ट होने में टाइम लगता है नए रूटीन में। तो आई होप के ये सब सही जाए और ये सीरीज़ में हम वेट लॉस अच्छा कर सकें और हेल्दी फिट हो सकें। That is the most important part। अच्छी चीज़ तो मैंने इस वीक स्टार्ट की, वो है पोर्शन कंट्रोल। क्योंकि इस प्लान के साथ साथ मैं पोर्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्शन कंट्रोल बेसिकली हम जितना एक्टिव होते हैं उसी प्रपोर्शन में हमें खाना चाहिए। अगर हम बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो हमें क्वान्टिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए। तो मैंने इस वीक पोर्शन कंट्रोल पर बहुत ध्यान दिया है। और ऐसे ही नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती थी कि नेक्स्ट वीक मेरा प्लान है, मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि फास्टिंग और नॉन फास्टिंग डेज के अकॉर्डिंग प्लान करूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये अप्रोच सही है कि नहीं। बिकॉज मेरा वेट, जैसे कि हमने बात की थी, बाउंस बैक हो गया था, तो मुझे ये चीज़ें ट्राई करने में थोड़ा सा इनहिबिशंस रहते हैं बिकॉज ये लगता है कि बाउंस बैक ना हो जाए। तो लेकिन ये बहुत हेल्दी और इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि ये हेल्दी है, कई लोग कहते हैं अनहेल्दी है। तो मैं इसको ट्राई करना चाहती थी कि दैट इज़ बेसिकली ADF, अल्टरनेट डे फास्टिंग, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, हमारे इंसुलिन लेवल्स को इंप्रूव करता है। बट उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो बॉडी के हारमोन्स पर इफेक्ट डालते हैं। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से इनपुट चाहूँगी कि आपका क्या फीडबैक रहा है इंटरमीडियंट फास्टिंग को लेकर, जो कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग होगी, या फिर मैं कुछ, या फिर आपके कमेंट्स के बेसिस पे हम वंस अ वीक फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको क्या फिजिबल लगता है और आपको किस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग मैं भी अपना प्लान मॉडिफाई करूँगी और हम सब इकट्ठे ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेरा वेट कितना है। सो गाइस, मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है और जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बिकॉज हमारा टारगेट है 3 kgs पर मंथ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मतलब इस वीक तो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक पक्का से हम और बेटर रिजल्ट्स लाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए ताकि हम इकट्ठे हेल्दी हो सकें। और क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर हम कोई चीज़ इकट्ठे करते हैं तो उसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो हम सबका एक ही पर्पस है, हेल्दी रहना, स्पेशली 2020 में। तो डेफिनेटली ये हमें हेल्प करेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चाओ।